अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के उभरते राजनेता कौन हैं, युवा राजनेता कौन हैं, जिन पर बिहार का भविष्य निर्भर करता है, तो आप दो तीन नेताओं के नाम लेंगे, जिसमें से एक तो तेजस्वी यादव, दूसरे चिराग पासवान, तीसरे मुकेश सहनी, चौथे प्रशांत किशोर। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। लेकिन अगर कोई पूछा जाए कि इस स्थिति में फिलहाल चिराग पासवान क्या करेंगे, क्या चिराग पासवान, अगर वो एनडीए के साझेदार हैं, खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, तो उनकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये स्थिति बड़ी असमंजस वाली अभी भी बनी हुई है। हालांकि अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पिछली बार की तरह ही फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन ये फॉर्मूला काम करता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान की जिस तरीके से पार्टी टूटी, चाचा पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ी और उनके साथ 5 सांसद चले गए, तो अब पशुपति पारस को छोड़ चिराग पासवान भी बीजेपी से 6 सीटें मांग रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी दोनों पार्टियों को एकजुट कर देगी, पशुपति पारस को राज्यसभा भेज देगी और चिराग पासवान को उनकी 6 सीटें दे देगी। लेकिन अब बिहार से राज्यसभा भी बीजेपी ने 2 नेताओं को भेज दिया, ना तो पशुपति पारस राज्यसभा गए और ना ही चिराग पासवान की माँ रीना पासवान को राज्यसभा भेजा गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, या ऐसा तो नहीं कि उन्हें विधानसभा का सपना दिखाकर लोकसभा में कम सीटें दी जाएगी। दरअसल खबरों की माने तो चिराग पासवान की पार्टी यानी कि LJP-R को लोकसभा चुनाव में 3 सीटें दी जा सकती है, और जबकि 3 सीटें पशुपति पारस की पार्टी को भी दी जा सकती है, क्योंकि पशुपति पारस भी लगातार ये कह रहे हैं कि हाजीपुर से तो चुनाव वही लड़ेंगे, और चिराग पासवान के कुछ बयानों से अभी यह लगता है कि वो भी जमुई से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में ये मामला अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को लेकर बीजेपी को भी ये लगता है कि आने वाले दिनों में दलितों के नेता चिराग पासवान हो सकते हैं, इसलिए उन पर बड़ा स्टेक लगाना चाहती है। लेकिन मुश्किल ये भी है कि पशुपति पारस ने अभी तक हथियार नहीं डाले हैं, ऐसे में दो धरे हुए में बटी हुई पार्टी के सांसदों को लोकसभा चुनाव में फिर से उम्मीदवार कैसे बनाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और बीजेपी के लिए मुश्किल ये भी है कि खुद उनके 17 सीटों पर जीते हुए सांसद हैं, 16 पर JDU है, और ऐसे में सीटें बचती हैं सिर्फ 7 और गठबंधन के साथ ही हैं 3, तो ये सीटें बटेगी कैसे, ये एक बड़ा दिलचस्प पहेली बन गई है बिहार के लिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।